तो आज के इस वीडियो में हम जो है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे क्रेजीस्ट रूम हीटर बनाएंगे। तो इसके लिए मेरे पास जो है ये एक 100 वाट का बल्ब है, और ये एक बल्ब नहीं, इसके जैसे मैंने बहुत सारे बल्ब खरीद लिया है। और आपके भाई ने जो है आपके लिए अपना जेब खाली कर चुका है, मतलब ढीला कर चुका है। तो इसके अलावा जो है ये 100 वाट का कुछ बल्ब, इसके अलावा जो है 160 वाट का मेरे पास ये इधर एक फ़ैन पड़ा है, 160 वाट या 200 वाट का फ़ैन। तो इससे जो है हम लोग जो है दुनिया का सबसे क्रेजीस्ट और दुनिया का सबसे बड़ा रूम हीटर बनाएंगे। चलिए फटाफट से इसको बना लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, मेरे पास जो है आप लोग देख सकते हैं कितने सारे बल्ब है, और ये एक बहुत बड़ा फ़ैन है, 160 वाट का फ़ैन है। तो इसको इस बल्ब को जो है इतने सारे बल्ब को जो है मैं कुछ इस तरह से डिज़ाइन में इसके पीछे जो है लगाऊंगा, और इस टाइप की मदद से जो है बांध दूंगा। मैंने जो है इसका होल्डर नहीं खरीदे पैसे बचाने के लिए, क्योंकि बाद में एक्सपेरिमेंट में वो पैसे मेरे काम आएगा। तो इसके लिए मैंने जो है इस सोचा कि इस बल्ब को जो है शोल्डरिंग कर दूंगा। तो उसके लिए पहले जो है फटाफट से इसके पीछे जो है थोड़ा सा शोल्डरिंग जो वायर होता है वो थोड़ा सा लगा लेते हैं, ताकि मुझे बाद में जो है शोल्डरिंग करने में आसानी होगा। तो चलिए फटाफट से उसको कर लेते हैं। तो यार हमने जो है सारे बल्ब के पीछे जो है थोड़ा सा शोल्डरिंग जो है कर दिया, ताकि बाद में जो शोल्डरिंग करने में वायर शोल्डरिंग करूंगा जब तब आसानी हो। तो आप जो है फटाफट से इसको इसके पीछे जो है कुछ इस तरह से लगा लेते हैं। अब बारी आता है टाइम लैप्स का। तो यार हमारा ये जो क्रेजी रूम हीटर है और ये सब दुनिया का सबसे बड़ा रूम हीटर है, ये जो है तैयार हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं इसका जो लुक है काफ़ी मतलब कूल, खतरनाक सा लुक दे रहा है। आप लोगों को मैं पास से थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये पीछे की तरफ ब्लेड है, इसको मैं घुमा दे रहा हूँ। ये इस तरह से मैंने जो है इसका सामने का फ्रंट का जो हिस्सा है उसको खोल लिया था, ताकि बांधने में जो आसानी हो। तो पीछे से ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। कभी जो इसका शोल्डरिंग का बारी आता है तो फटाफट से जो है शोल्डरिंग कर लेते हैं। तो यार हमारा ये जो दुनिया का सबसे बड़ा और क्रेजी रूम हीटर है, ये जो है तैयार हो चुका है। तब लोगों को जो है सामने से कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, एकदम सिंपल फैन की तरह, लेकिन पीछे से आप लोगों को एक बार दिखा दे रहा हूँ मैं। ये जो है पीछे से कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये देखिए कितना सारा जो है मैंने बल्ब लगा लिया, ये जो 200 वाट का, ये भी 200 वाट का, लगभग सारे बल्ब, इसके अलावा इन दोनों के अलावा जो है 100 वाट का बल्ब है। तो और इसका जो है मैंने वायरिंग भी कर लिया, आप लोगों को एक बार क्लोजअप भी दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले जो दिखा दे रहा हूँ, ये जो है ये लाइन जो है ये सिर्फ लाइट का लाइन है, और ये वाला ये जो है मोटर का लाइन है, मतलब इस फैन का। तो यार चलिए पहले जो है इसका टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद जो है आप लोगों को थोड़ा सा क्लोजअप भी दूंगा। तो फिर ये जो हमने जो इसका जो हीटर ऑन कर दिया, अभी हीटर ऑन किए हुए लगभग कुछ सेकंड ही हुआ है, लेकिन ये जो है इधर से काफ़ी गर्मी जो है मतलब फेंक रहा है मेरे गाल से, इस गाल से जो है इसका डिस्टेंस लगभग 1 फीट के आसपास है, लेकिन फिर भी मैं जो है इसके इसके सामने जो है ठीक से नहीं देख पा रहा हूँ, और जो है मेरा ये गाल अभी से जो है गर्म हो चुका है। और आप लोगों को शायद मेरा चेहरा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा होगा, काला दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि पीछे से जो लाइट आ रहा था। और ये बात तो ऑब्वियस है, इतना सारा बल्ब अगर जलेगा तो ये जो है हीट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इसका जो है मतलब मेन पर्पज़ जो है सामने का जो ये फैन जो है इसको ऑन करके फिर देखेंगे कि ये सामने से जो है हीट को अगर हीट फेंक पा रहा है कि नहीं, मतलब एक अच्छा हीटर की तरह काम कर रहा है कि नहीं। तो अभी जो है इसको मतलब कैमरा को दूसरे एंगल पे सेट करके आप लोगों को दिखा दूंगा जो है ये प्रोपेलर, ये मतलब ये फैन जो है घुमा के ये ठीक से वर्क करता है कि नहीं। तो अभी जो है इसको फैन का जो टेस्ट कर लेते हैं। तो हमने जो इसका फ़ैन ऑन कर दिया, मैं जो है इसका माइक्रोफोन जो है मतलब ढक के बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसका जो है हवा बहुत तेज़ है। मैंने जो है स्पीड 1 पे कर दिया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हवा बहुत तेज़ है। और यार यकीन नहीं मानोगे, ये ठंड का मौसम है, लेकिन मुझे जो है इस फैन के सामने बैठ के ठंड लग भी नहीं रहा, क्योंकि ये जो है सामने से जो है काफ़ी गर्म हवा जो है फेंक रहा है। और यार एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, ये जो है मतलब जो है मैंने जो है पूरा का पूरा इस साइड से जो है मतलब ये कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते हैं पीछे की साइड से जो है कुछ मतलब सर्कल की शेप में मैंने जो है बल्ब लगाया है, लेकिन बीचों बीच जो है मैंने
बल्ब नहीं लगा है, तो बीचों बीच जो हवा जो है उतना गर्म नहीं है, लेकिन इस साइड का हवा जो है काफ़ी गर्म है, इस साइड से और इस साइड से जो है हवा जो है आ रहा है बहुत काफ़ी गर्म है। ठीक है, तो ये मतलब ये हमारा जो ये हीटर है ये काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क तो कर रहा है, लेकिन ये जो है मतलब उतना एफिशिएंट नहीं है कि मतलब सामने वाले को मतलब जला दे। तो लेकिन और यार अगर आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसके जो है मतलब सेकेंड पार्ट आप लोगों के लिए लाऊंगा, तो उसमें जो है बल्ब के साथ साथ शायद हीटर का कॉइल भी फिट होगा और बहुत कुछ होगा आइडिया बाद में। बस आप लोगों को वीडियो पसंद आना चाहिए, और यार वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना पार्ट टू देखने के लिए। तो यार ये रहा हमारा हीटर, सामने से कुछ इस तरह से दिखाई देता है ये हीटर, और आप लोगों को जो है साइड से भी दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरह से साइड से दिखाई देता है और पीछे की साइड से कुछ इस तरह से। और आप लोग देख सकते हैं इसका जो है कनेक्शन मैंने कुछ इस तरह से किया, सबको जो है पैरेलल में जो है कनेक्ट कर दिया शोल्डरिंग करके। और ये जो कनेक्ट वायर देख रहे हो, ये जो है हीटर का वायर है, मतलब ये हमारा बल्ब का, और इसके नीचे से जो है ये वायर गया है ये ब्लैक कलर का, ये जो है हमारा फ़ैन का। तो अभी जो है फ़ैन का, तो अभी जो है मतलब इसको ऑन करते हैं हीटर को, इसका कनेक्शन इधर है, कुछ इस तरह से ये ऑन होता है, ये देखिए। और उसके बाद जो है हमारा फ़ैन ऑन करते हैं इधर से, ये कुछ इस तरह से चलता है। और साइड से भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये रहा पीछे से, मतलब सबसे ज़्यादा मुझे जो है इस एंगल से जो है बहुत बढ़िया लग रहा है, इस एंगल से मतलब बहुत सेक्सी लग रहा है मुझे ये रूम हीटर। और यार आप लोग एक ही नहीं मानोगे, मैंने जो है लगभग ये वीडियो शूट करते हुए मुझे जो है 15 से 20 मिनट हो चुका है, और 15 से 20 मिनट में ये रूम इतना गर्म हो चुका है, आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ ये रूम जो है काफ़ी बड़ा है। और अगर आप लोग जो है ये हमारा ये वाला सॉफ्ट बॉक्स देख रहे हो, तो इसको जो है मैंने मतलब पहले मेरे पहले वीडियो में बताया था कि मेरा स्टूडियो सेटअप मैंने जो है 2,000 रुपये में कैसे तैयार किया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आई बटन में और जो है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। आप लोग जो है स्टूडियो सेटअप बना सकते हो 1,500 2,000 रुपये में, ठीक है। तो खैर वीडियो पे आते हैं, तो ये जो है पीछे की साइड से कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, मतलब इधर से जो है मैं लगभग 2 से 2.5 फीट के डिस्टेंस पे जो है वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो मुझे जो है गर्मी लग रहा है, ठीक है। तो ये सामने से भी मुझे जो है गर्मी लग रहा है। और यार आप लोग यकीन नहीं मानोगे, मतलब ये 15-20 मिनट में जो है ये घर इतना गर्म हो चुका है कि मैं जो है मतलब शॉर्ट्स पहन के वीडियो बना सकता हूँ। और मैंने जो है अपना जैकेट का चेन भी उतार लिया, क्योंकि मुझे जो है काफ़ी काफ़ी जो है गर्मी लग रहा था।